सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है स्पोर्ट्स 21, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में अपने बात करते हैं जी खेलों के हवाले से, खेलों की खबरें आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करते हैं। पिछले प्रोग्राम में हमारी बात हुई पाकिस्तान और इंग्लैंड की इस वक्त जो जारी सीरीज़ है इसके हवाले से और जो परफॉर्मेंसेज रही हैं उसके ऊपर खुलकर आज बात होगी। पिछली दफ़ा की मौका नहीं मिल सका इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करने का, लेकिन आज कोशिश ये करेंगे कि इस सीरीज़ में आने वाला जो अब मैच एक बाकी रह गया उसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाए और साथ ही इस वक्त जो मैच जारी है जो बारिश की वजह से मुतासर हो चुका है उसके ऊपर भी कुछ गुफ्तगू करें। इससे पहले हम बात कर चुके हैं सिलेक्शन के हवाले से, टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस के हवाले से, कैप्टनसी के हवाले से और दीगर उमूर के ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है। आज भी इन्हीं मामलों पर गुफ्तगू करेंगे और ख़ास तौर पे ये जिस तरह दूसरे टेस्ट मैच का आगाज़ हुआ है इसको ख़ास तौर पे आज अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा, बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए और हमारे साथ अक्सर प्रोग्राम्स में शरीक होते रहते हैं, उनके तबसरे और तजिए आप मुख्तलिफ चैनल्स पर भी सुनते रहते हैं। सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा शुएब हबीब साहब को, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, जाना पहचाना नाम है क्रिकेट के हलकों में और जितनी क्रिकेट खेली बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, एक बड़े मशहूर कप्तान रहे हैं, तमाम ही हलकों में पहचाने जाते हैं, उनको मैं सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका शेर भाई, आपने उनके हमरा जी तशरीफ़ रखते हैं। मुनीर अलहक साहब हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शरीक होते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बड़ा अच्छा तज़िया करते हैं, तबसरा करते हैं, खुद ब्रॉडकास्टर हैं और ख़ासतौर पर सीरीज़ के हवाले से उनसे हमारी गुफ्तगू रही है। आज भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आप, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें वक्त दिया। गुफ्तगू का आगाज़ शेर भाई आपके साथ करेंगे। टेस्ट मैच का आगाज़ हो गया, बड़ी ताखीर के बाद टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हुआ और जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, ख़ासतौर पर पहले मैच की गुफ्तगू थोड़ी सी कर ली जाए क्योंकि हमें मौका कम मिलता है, हफ्ते में एक प्रोग्राम होता है तो हमें सारे मैचों पर बात करनी, तो पहले मैच से अगर आगाज़ किया जाए, अच्छी परफॉर्मेंसेस सब कुछ होने के बावजूद मैच आपके हाथ से निकल गया तो ये किस किस्म की परफॉर्मेंस है? ऐसे मौके बड़े कम आते हैं जो पूरी दुनिया में इस वक्त क्रिकेट खेली जाती है, ये बहुत मायूब समझा जाता है कि एक टेस्ट मैच के अंदर आप पाँचों दिन हावी रहें और एक सेशन के फ़र्क से आप मैच गंवा दें, क्या आपने एक्सपीरियंस किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे बड़ा अच्छा सवाल करा, ये जो पहला टेस्ट मैच हुआ वही आपकी वाली बात के तकरीबन हम सवा चार दिन तक हमारा अपर हैंड था, हम आखिरी के आधे घंटे में जाके वो मैच हारे जी। तो वही जो हम मैच हारे वही अब हमारे पे प्रेशर रहा। अच्छा, अब जहाँ तक टीम की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो टीम की परफॉर्मेंस में हमने उस मैच में भी, और उसी मैच पे बात करता हूँ, अभी इस पर नहीं आता, उस मैच में हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आई और जो हमें नज़र आई वो हमारी बैटिंग टेक्निक्स थी। अच्छा, हमारी बैटिंग टेक्निक्स में आप इस तरीके से देख लें कि हमने 150 रन्स करे शान ने, शान के बाद फिर हमें ये फील हुआ कि शान को अब कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन शान दोबारा सेकंड इनिंग में आके वही उन्होंने परफॉर्मेंस रिपीट करी। तो मैं ये समझता हूँ कि उस मैच में और अभी जो प्रेजेंट मैच हुआ अभी तक हमारी बैटिंग प्रॉब्लम्स हैं, अब हमारी बैटिंग टेक्निक सही नहीं है, वो जो मैच हमने आ रहा वो टोटल बैटिंग से आ रहा और थोड़ा सा हमने कप्तानी से आ रहा। अच्छा, जहाँ तक हमारी और इंग्लैंड की टीम का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि अब भी सिर्फ इंग्लैंड की टीम को सिर्फ ये एडवांटेज है कि इंग्लैंड वो टेस्ट मैच उसके सामने जो है एक विनिंग नाम है कि इंग्लैंड ने ये टेस्ट मैच जीता है, अदरवाइज हमारी परफॉर्मेंस टोटल इंग्लैंड से अच्छी थी। अब हमारे जो कोचिज़ हैं, जो टीम स्टाफ है, मैं कोचिज तो नहीं कहूँगा, अगर इन्होंने ये सीरीज़ को बराबर करना है, लेवल करना है, तो इन्हें कुछ नहीं करना है, इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ ड्रेसिंग रूम का माहौल को उठाना है और इन्होंने उठाना है, लड़कों को कॉन्फिडेंस देना है। बाकी रहा सवाल ये कि मतलब फला कोच यूँ कर देगा या फला कोच, कोचिज से कभी टीम नहीं जीती जाती, मैच जीता जाता, मैच हमेशा जीता जाता है कप्तान से। दुनिया में मैं आपसे एक सवाल कर देता हूँ, लॉयड ने दो दफ़ा वर्ल्ड कप जीता, लोग लॉयड का नाम लेते हैं, उसके कोचिज का किसी को नहीं पता होगा। ऑस्ट्रेलिया ने 5-6 दफ़ा वर्ल्ड कप जीता, उनके कप्तानों का नाम पता होगा, कोचिज का नाम किसी को नहीं पता। इवन के इंडिया ने भी वर्ल्ड कप जीता तो लोग कपिल देव का, तो ये जहाँ तक ये कहा जाता है कि कोचिज नहीं,
इस लेवल पे तहसील इस इंटरनेशनल लेवल पे कोचिज कोई चीज़ नहीं है, गेम प्लानर होना चाहिए। कोचिज का जब लव यूज़ करते हैं तो कोचिज एक प्लेयर बना सकता है, कोच मैच नहीं जिता सकता। मैच जिताना कप्तान का काम है। अभी भी इस सीरीज में कुछ नहीं बिगड़ा, सिर्फ मॉरली प्लेयरों को उठाना है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ये सीरीज बराबर कर सकता है। मुनीर भाई आपकी तरफ आएंगे, जरा ये बताइएगा कि कैप्टन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी ऋषभ भाई ने बात की है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कप्तानों के नाम लोगों को याद हैं। क्लाइव लॉयड का नाम याद है, स्टीव वॉ का नाम याद है, रिकी पॉन्टिंग का नाम है, बड़े बड़े कप्तान आए जिन्होंने वर्ल्ड कप जितवाए, लोग उनके नामों को याद रखते हैं। यहाँ तो आपके साथ एक पूरा आप समझ लें कि एक जम्मे गफीर है, एक पूरी फौज है जिसके अंदर एक यूनुस खान मौजूद हैं, मुश्ताक मौजूद हैं, मिसबा, नाम लेते जाइए, सब वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अपलिफ्ट नहीं कर सका। दूसरी बात यह कि कप्तानी में अगर फ्लॉ होगा, यानी आप ये समझ लीजिए कि कप्तान अगर अपनी फॉर्म से खुद ही स्ट्रगल कर रहा होगा, टीम में जगह बनाने के लिए खेलेगा, तो क्या माजी में जो होता आया है कि इंग्लैंड के अंदर जाके सीरीज जीतना एक ख्वाब बनकर रह गई है, तो यही सिलसिला चलता रहेगा कि कप्तान खुद अपनी फॉर्म से स्ट्रगल कर रहा है, टीम में जगह बनाने के लिए सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, कैसे लड़ेगा? और ख़ासतौर पर जो बाय नेचर बाय डिफ़ॉल्ट इतना ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच रखता हो, कैसे आपको टेस्ट में जितवा सकता है, ये बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया यासर, बहुत सारी बातें असल में कहने वाली हैं। पहले तो जो बात करें, हम जो पहला टेस्ट मैच खेला गया है वो जीता हुआ मैच, हम क्यों हार गए, उसके दो तीन बड़े क्लियर रीज़न हमें नज़र आते हैं अगर हम इसको गौर करें। एक तो हमें मानना पड़ेगा कि जॉस बटलर और क्रिस वोक्स की जो पार्टनरशिप है ना, इतनी अच्छी पार्टनरशिप बहुत कम नज़र आ रही थी। इतना प्रेशर में इतनी अच्छी पार्टनरशिप खेलना और पूरा मैच जो उनकी टीम हारी हुई थी, ना सिर्फ उस प्रेशर से निकालना बल्कि अपनी टीम को मैच जितवाना, एक तो हमें उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। बहुत अच्छी उनकी पार्टनरशिप थी, दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की, निडर भी थे, उन्होंने थोड़ा रिस्क ज़रूर लिया लेकिन कॉन्फिडेंस से खेले, तो एक तो ये था। दूसरा ये कि आपको ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तानी टीम कॉम्प्लेसेंट के शिकार हो गई थी, बिकॉज के 107 रन के लीड पर आप समझ रहे थे कि अब हम 100-150 भी कर लेंगे, तो बहुत बड़ा कैजुअल खेली पाकिस्तानी टीम, बहुत कैजुअल बैटिंग थी। आपका मैच हाथ उसी वक्त निकल, देखिए एक टीम 107 रन की बर्तरी से बैटिंग शुरू करती है, दूसरी टीम 107 के खसारे से बॉलिंग शुरू करती है। वहाँ से उन्होंने गिव अप नहीं किया, वहाँ से उन्होंने कम बैक किया और मैच जितवा के ले गए। तो वो जो पाकिस्तानी टीम का डिबैकल हुआ है ना, जो अक्सर इनके साथ होता है, कभी कभी तक सेशन में पूरी टीम आउट हो जाती है हमारी बाहर मुल्कों में, तो एक तो वो सबसे बड़ा रीज़न है। और तीसरा रीज़न जो है वो आपने बिल्कुल सही कहा कि आपकी जो अप्रोच अगर रहेगी कप्तान की डिफेंसिव, तो कभी अग्रेसिव हो नहीं सकता, नेचर में ही नहीं है ना, एक नेचर में ही नहीं। इसीलिए अभी तक जब से वापस आए हैं वो एज ए कैप्टन, तीन टेस्ट बाहर खेले, तीनों हार गए, दो ऑस्ट्रेलिया में हार गए और एक अब इंग्लैंड में हार गए। यहाँ तो बारिश हो रही है, अभी आज भी तीसरा दिन है, अब आई डोंट नो कि कितना मैच हो सकेगा या नहीं। लेकिन आप अगर एक श्रीलंका को, जिसकी बिल्कुल नई टीम आती है, या बांग्लादेश की टीम जिसमें ना मुशफिक है ना शाकिब है, उनको आप हरा के बड़े खुश होते हैं, आप फेंसरी भी कर लेते हैं श्रीलंका के खिलाफ होम ग्राउंड पर, उसके बाद आप समझते हैं कि जी नहीं, वहाँ पर क्लियर नज़र आया है कि जब प्रेशर था, कप्तान प्रेशर को बरकरार रखने में नाकाम रहा, उन्होंने पूरी कोशिश की वह उस प्रेशर से हटे। यहाँ आपका काम था अग्रेसिव होना, आपने फील्ड को थोड़ा सा खोल दिया, खिलाड़ी इधर उधर हो गए, कई चीज़ें वहाँ नोट की गई हैं। तो तीन बड़े ऑब्वियस रीज़न रहे, पहला मैंने आपको बताया, दूसरा टीम का जिस तरह बैटिंग हुई, और तीसरा अजहर अली कप्तान के पास, अजहर अली के पास बैटिंग और कप्तानी के अलावा तीसरी तो कोई चीज़ नहीं है ना, दोनों शोबों में वो नाकाम रहे हैं, बुरी तरह नाकाम रहे हैं। अभी भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कल परसों जो 20 रन बनाकर वो आउट हुए, वो भी उनकी ऐसी नहीं थी कि उनको यहाँ पर आउट होने चाहिए। खुद आप टॉस जीत रहे हैं, खुद आप बैटिंग कर रहे हैं, कंडीशन भी बैटिंग के लिए आइडियल थी, गर्मी है वहाँ, उनके लिए इतना अच्छा मौसम नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं करते हैं तो ये तो ज़रा सूरत हाल पाकिस्तान के लिए किसी तौर से अच्छी नहीं है। ठीक है जी भाई, आप खुद कप्तानी करते आए हैं, बॉलर्स का इस्तेमाल, चाहे आपके पास दुनिया के कितने ही अच्छे बॉलर्स क्यों ना हो, अभी ये जो बॉलर्स का जो कंपैरिजन शुरू हो गया है, इसके ऊपर तो मैं भी एक सवाल करूँगा, लेकिन ये बॉलर्स को इस्तेमाल करना, अगर बॉलर्स को आपको नहीं पता कि आपके बॉलर्स की स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा कितनी लंबी गेंद करा सकता है, नहीं करा सकता है, स्पिनर को कब इंट्रोड्यूस करवाना है, ये तमाम चीज़ें ही नज़र आईं कि कप्तान को नहीं पता था कि क्या करना है, वो बाहर से इंस्ट्रक्शन लेकर जो चीज़ें उसने अप्लाई करने की कोशिश की वो उसके लिए जो है प्रोडक्टिव नहीं रहीं। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि इसमें ना बॉलर्स आपके काम करके दिए, ना कोई आपने फील्डिंग के अंदर कोई आपके एग्रेशन नज़र आया, ना उनकी प्लेसमेंट सही थी, हर चीज़ ही तो उसमें फ्लॉ नज़र आ रहा था, ये क्या चीज़ पीसीबी को नज़र आई है जिसकी वजह से उनको ये कप्तान बनाना पड़ा? यहाँ ना हम पीसीबी को बोलेंगे, ना यहाँ हम कोचेज को बोलेंगे,
और ना हम ये बोलेंगे कि यार पीछे इन्होंने बाहर से इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करी। लेकिन सबसे पहली बात इन्होंने शादाब को खिलाया जी, शादाब को सेकंड स्पिनर्स खिलाया, अच्छा डिसीजन था। फिर टॉस जीत के बैटिंग ली, बहुत अच्छा डिसीजन था। उसके बाद आप टोटल मैच आपके हाथ में रहा, और जब आपने शादाब को खिलाया है तो शादाब राइट आर्म लेग स्पिनर फोर डे सेकेंड इनिंग, वहाँ तो मतलब अनप्लेबल हो जाता है। तो यहाँ टोटल इसका फेलियर है, कप्तान का फेलियर है। अब आपने टोटल 12 ओवर शादाब से करवाए, टोटल 12 ओवर, उसमें भी उसने 2 आउट करे। अच्छा, अब ये कहा जाता है कि हमारे बॉलरों ने अच्छी, हमारे बॉलर ने बहुत मतलब स्पेशली यासिर शाह ने तो आउट क्लास गेन करा है। जिस तरह बैट्समैन की पार्टनरशिप लगती है, इसी तरह बॉलर की पार्टनरशिप लगती है, तो उसको कोई सपोर्ट तो देता। अच्छा, आप ये देखें, आपने 2 राइट आर्म लेग स्पिनर खिलाने के बाद 4 मतलब 2 इनिंग्स में किसी जगह दोनों एंड से राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं लगाए। तो मैं ना कोचिस को इसका ब्लेम देता हूँ, अगर कोचिस ने नहीं दी तो आप कप्तान हैं, कप्तान का काम है लीड करना, आपकी अपनी अकल है, आप अपनी अकल यूज करते हैं। और जहाँ तक ये सवाल कि इंग्लैंड बहुत अच्छा, इंग्लैंड कोई अच्छा नहीं खेला, आपने 117 पे 5 आउट करके टेलेंडर से रन करवा दिए कि उन्होंने वो रिवर्स स्वीप भी मार रहे हैं, स्वीप भी मार रहे हैं, तो ये किसका फॉल्ट है? सिर्फ कप्तान का फॉल्ट है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम बैटिंग की वजह से और बॉलिंग नहीं, कप्तान की वजह से हारी थी। मैं स्टिल कहता हूँ, अब भी जितनी हमारी बैटिंग लाइन है, हमारी बैटिंग लाइन में बहुत फॉल्ट है, इनको इस पर काम करना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पे मैं कह दूँ, आबिद अली ने 60 रन करें, यार क्या रन, नो डाउट कोई रन नहीं है, उस 60 रन में उसके 15-16 रन पे तो कैचेस छूटे, उस पर हम बोले वेल प्लेड, दिस इज स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करते हैं। बैटिंग के ऊपर खासतौर पे अभी एनालिसिस होगा, जो बैटिंग रही है, किस तरह की बैटिंग है ये, और ये खासतौर पे जिस एवरेज से ये मैच जा रहा है, पूरे दिन में जिस तरह रन्स हुए हैं, इसके ऊपर अभी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 21। वेलकम बैक वंस अगेन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। ब्रेक पे जाने से पहले जी ये गुफ्तगू जारी थी और बात हो रही थी पाकिस्तान और इंग्लैंड की इस वक्त जो जारी सीरीज है उसके हवाले से बात हो रही थी, थोड़ी सी बॉलर्स के हवाले से, और बैटिंग के ऊपर आप गुफ्तगू करेंगे जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग खास तौर पर रही है। और ये कंपेरिजन जो अब ये शुरू हो गया है, इसके ऊपर बात करूँगा मुनीर भाई आपसे, इसका जवाब लूँगा। बड़ी जल्दी हम लोग इस डिस्कशन में पड़ जाते हैं कि वो फलाना बॉलर वसीम अकरम है, वो फलाना बॉलर वकार यूनुस है, बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड हो गए। बात करें अगर शाहीन आफरीदी की, तो थोड़ा सा एक उमर गुल वाला एक फैक्टर, जो एक कलर था वो नज़र आया कि एक मैच में बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलर बॉलिंग करते हैं, अगले मैच के अंदर बड़े वीक नज़र आते हैं, फिर एक मैच में जब वो कमबैक करते हैं बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, अगेन वो फिर उनका ग्राफ जो है मुस्तकिल उसमें हम देखते हैं फ्लक्चुएशन आ रही है, वो कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही। दूसरा एंड पे नसीम शाह गेंद कर रहे हैं, ठीक है, यंग है, अभी बहुत कुछ सीखना है, ना इस स्पॉट पर गेंदें गिर रही हैं, ना लाइन और लेंथ का पता है। तो वकार यूनुस कैंप के अंदर मौजूद हैं, इतने सीजनल क्रिकेटर खुद हैं, इतने अच्छे बॉलर रहे हैं, तो बॉलर्स में वो चीज़ रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही है, इसकी क्या वजह है, जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली? बात करेंगे तो यूनुस खान का जिम्मेदारी तो इन्हीं के ऊपर आती है और कुछ नहीं है। देखिए, बड़ा वाजह फ़र्क है, एक तो उनके पास जो बॉलर हैं वो बहुत दुनिया के मानी हुई जोड़ी है, एक 500 विकेटें ले चुका है, एक तो मेरे ख्याल 6 या 7 विकेट चाहिए 600 रन के लिए, दुनिया के पहले फास्ट बॉलर बनेंगे 600 विकेटें लेने वाले, तो वो उनका तो क्लास अलग है। ऑल दो अभी हम ऑफ एयर भी यही बात कर रहे थे, जेम्स एंडरसन के वो बात नहीं रही, लेकिन अभी वो अपनी तरफ से 3 विकेटें ले गए, परफॉर्मेंस वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको 600 विकेटें मुकम्मल करनी है। बात रही शाहीन आफरीदी की, शाहीन आफरीदी ने वर्ल्ड कप में आखिरी जो 4 मैचेस खेले थे ना पाकिस्तान में, तो बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी उसकी, वहाँ से वो सामने आया था ऑस्ट्रेलिया में भी हमें लगा, इस वक्त भी हम उनको सबसे मेन वेपन समझ के ले गए थे, इवन अब्बास भी नहीं, नसीम शाह भी नहीं, हम शाहीन आफरीदी पर कर रहे थे रिलाय, शाहीन आफरीदी वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके जिसकी हम समझ रहे थे, लेकिन अगर नसीम शाह परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो इसकी तो सारी जिम्मेदारी फास्ट बॉलिंग कोच और मिसबा पे आएगी कि क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर वो बाहर जा रही हैं गेंदें उनकी वो विकेटें नहीं ले पा रहे तो इसकी जिम्मेदारी तो उनके ऊपर आएगी और उनकी जिम्मेदारी को उनको मानना पड़ेगा, इसके बगैर वो चलेगा नहीं मामला। देखिए, यहाँ पर बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग मुझे ज्यादा परेशान कर रही है पाकिस्तान की, माफ कीजिएगा, अजहर अली
असद शफीक, अगर ये जो एक 80 टेस्ट खेल चुके हैं, एक 78 टेस्ट खेल चुके हैं, तो ये अगर परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आप तो तीन खिलाड़ियों पर रिलाई करके गए थे ना कि अजहर अली की बैटिंग, असद शफीक की बैटिंग और बाबर आजम की बैटिंग। आपने शान मसूद से तो रिलाई नहीं किया था वहाँ के वो 150 रन बनाएगा, या आपने इवन इनसे भी, आपने रिजवान से भी ऐसा नहीं था कि वो 60 रन बनाएगा। आपको तो अपने बैट्समैनों पर, जो मेन बैट्समैन, अब आप कंपैरिजन करें कि इंग्लैंड के पास इस वक्त सिवाय जो रूट के कोई वर्ल्ड क्लास बैट्समैन नहीं है, क्या रोरी बांस, डोमिनिक सिबली, ओली पॉप, जैक क्रॉल, इनको कोई नहीं जानता। उसके बावजूद इनकी टीम वेस्ट इंडीज से भी दोनों टेस्ट मैच जीती, पाकिस्तान से भी जीत गई, और ये मैच भी अगर बारिश नहीं होती तो पाकिस्तान को बड़ा स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा था हमें, क्योंकि दो दिन में एक रोज का खेल भी नहीं हुआ, अभी तक 86 ओवर्स हुए, एक रोज में ही 90 ओवर्स होते, तो एक रोज का खेल भी नहीं हुआ। मैं कहले तीन दिन में अगर एक रोज का खेल नहीं हुआ तो फिर बारिश का ज्यादा अमल दखल है। तो पाकिस्तान को अपनी बैटिंग पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी। और सबसे बड़ी बात, अभी जैसे हबीब भाई कह रहे थे ना कि पांच स्पिनर्स को, दो स्पिनर्स के साथ गए, पांच बॉलर के साथ गए, मुझे एक मतलब समझ में नहीं आई, बिकॉज के ये कहीं भी नहीं था पाकिस्तान का कि पाकिस्तानी टीम पांच बॉलर्स के साथ जाएगी। छह और चार का कम्बिनेशन बन रहा था, तीन फास्ट बॉलर एक स्पिनर, शुरू से हमें ये था कि तीन फास्ट बॉलर खेलेंगे, एक यासिर शाह खेलेंगे। वहां जाके आपके बैट्समैन ही नहीं है। अब मुझे बताएं, फवाद आलम नहीं चल सके, अगर फवाद आलम नहीं है तो आप पास बैटिंग में अब कौन है जी? मुझे बताएं किसको आप लाएंगे, यहाँ तो अभी है ही नहीं ना। तो क्या आप जो वनडे स्क्वाड है उसमें से आप इफ्तिखार को लाएंगे या फहीम अशरफ को लाएंगे, ये किसको खिलाएंगे? आप पास तो बैटिंग ही नहीं है, आपके पास तो मतलब फवाद की जगह या तो शादाब खेलेंगे, फवाद खेलेंगे अभी अगर 16 रुकी टीम में बात करते हैं, या फिर सरफराज को आप एज ए बैट्समैन खिलाएंगे। इनकी खुद स्ट्रेटेजी इनको समझ में नहीं आ रही है। एंड टाइम पे जाके आप कहते हैं जी पांच बॉलर्स के साथ हम गए, चले जी ठीक है आप चले गए, वो रिलेक्टेंट होते हैं अगेंस्ट द स्पिनर, आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन जब मैच का रिजल्ट आपके फेवर में नहीं निकलता तो सारी बातें तो होती हैं ना, ये सारी बातें होती हैं। तो अभी सबसे पहले तो आपका टीम कॉम्बिनेशन ही समझ में नहीं आ रहा है। जिस खिलाड़ी को, फवाद आलम को, आपको अगेंस्ट श्रीलंका, अगेंस्ट बांग्लादेश ट्राई करना चाहिए था उसको थोड़ा बूस्ट देने के लिए, उसको आपने एकदम से लेके इंग्लैंड में, जाहिर है गलती उसकी भी है कि नहीं कर सका, ब्लेम तो उसके ऊपर भी आएगा। अब मुझे पता नहीं कि सेकंड इनिंग में फवाद आलम को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर फवाद को मौका नहीं मिलता, अच्छा शफीक बैटिंग नहीं कर पा रहे, तो क्या थर्ड टेस्ट में रिप्लेसमेंट कौन होगा, बैटिंग कौन करेगा? मतलब अभी आपके पास जो प्लेयर गए ज्यादातर आपके पास फास्ट बॉलर हैं, दो विकेट कीपर हैं, तीन चार स्पिनर्स हैं, तो अभी आपके पास बैटिंग में तो ऐसा स्पेशलिस्ट जो टेस्ट के बैट्समैन है उसका उसमें इधर कमी नजर आ रही है। बिल्कुल जी शुभ भाई, ये बताइएगा कि बैटिंग में टॉप ऑर्डर से ही अगर बात कर लें, शान मसूद है, आबिद अली है, फिर नीचे आप आते जाएं अजहर अली है, असद शफीक है, ये कैसी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं? असद शफीक की अगर बात कर लें, असद शफीक पर बहुत ज़्यादा रिलाई करती है पाकिस्तान की बैटिंग, खासतौर पर मिसबा और यूनुस के जाने के बाद ये समझा जा रहा था कि वो उनकी रिप्लेसमेंट साबित होंगे, लेकिन किसी तौर पर उन्होंने साबित नहीं किया कि वो मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान को जो है वो संभाल सकते हैं, टीम की बैटिंग को सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नाउमीद किया है, क्या आप समझते हैं? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये सवाल आपने करा लेकिन मैं इससे थोड़ा सा हटके दूँ जी। हमारा जो ये कॉन्सेप्ट, हम लोग ये समझते हैं कि डेढ़ महीने पहले हम चले जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, हम ये समझ रहे हैं कि ये जो हमारे कोचिज हैं ये मैच जिता देंगे। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर हम इन कोचिज को हटा दें, और कोचिज इतनी अहमियत रखता है, और किसी टीम के साथ कोच ना हो तो टीम तो 25 रन पर आउट हो जानी चाहिए, तो ये सारा कॉन्सेप्ट गलत है। कोच का कोई नहीं पार्ट होता, कोच का काम सिर्फ प्लेयर्स को मोटिवेट करना होता है। ये मैच खेल रहे हैं, फिर मैं कहता हूँ यहाँ आपको गेम प्लानर चाहिए। अब जैसे अभी भाई ने बात करी शाहीन अफरीदी की कि वनडे मैच, वो वनडे मैचेस है, वो फास्ट बॉलर ही नहीं जो टेस्ट मैच में शॉर्ट पिच गेंद ना करें। हमारे फास्ट बॉलर ने कितनी शॉर्ट पिच गेंद करी है? कोई शॉर्ट पिच गेंद नहीं करी। अब ये कह दिया जाए कि जी वकार यूनुस, हालांकि मैंने आप ही के प्रोग्राम में बोला है के वकार के होते हुए, वकार की जो सोच है कि मैं अपनी टीम को टॉप पे लेकर आऊँगा, आप ही के प्रोग्राम में मैं कह के गया हूँ, इसके होते हुए टीम बॉटम में ही रहेगी, मिडिल में भी नहीं आएगी। तो ये जो हम लोग सोच रहे हैं ना कि हमारे कोचिज नथिंग, टोटल कप्तान का काम होता है। अब कैसे, जब हम आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि यार हमारे फास्ट बॉलर ने शॉर्ट पिच गेंद नहीं करी है, तो क्या वो वहाँ से नहीं भी, अगर वो अंदर से मैसेज नहीं आ रहा तो कप्तान का काम क्या है? कप्तान का अब जहाँ तक ये है, आप जिसको भी खिला लें, जब तक आपके बैटिंग टेक्निक सही नहीं होगी, आप जिसको भी खिला लें
वो रन्स नहीं करेगा। अभी आपके तीन इनिंग्स में सब कुछ पता चल गया। अच्छा, अब जहाँ पहले मैच की टीम बिल्कुल सही खिलाई थी, शादाब को एज ए ऑलराउंडर खिलाया था, अब शादाब का आप यूज़ नहीं करें तो उसका फॉल्ट नहीं है। उसने फर्स्ट इनिंग में 40 समथिंग रन्स करे थे, उसने दो आउट करे। अब सेकेंड इनिंग में फोर डे आप उससे गेंद नहीं कराएं तो उसका फॉल्ट नहीं है। तो टोटल फेलियर कैप्टनशिप का था। हाँ, अच्छा, अब जहाँ तक ये बात है, अभी आपके पास आप अवल तो पैनिक बटन क्यों दबा रहे हैं? इंग्लैंड की कोई टीम नहीं है। मैं आपको गारंटी और श्योरिटी से कहता हूँ, हमारा जो स्टाफ है उनको स्लिप प्लेयरों को उठाना है। इंग्लैंड के पास है क्या? इंग्लैंड के पास सिर्फ ये है कि वो टेस्ट मैच जीत गया, साढ़े चार दिन तो हम ही लोग जीत रहे थे, और जबकि हमने तो 117 पे 5 भी आउट कर दिए थे। कोई ऐसा पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए। हाँ, मैं एक ये कोचिंग स्टाफ से बोलूंगा, अगर आपने फवाद आलम को खिलाया तो अब उसको कंटिन्यू रखना है। ये नहीं कि आप नेक्स्ट मैच में उसको बिठा ड्रॉप करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा मुनीर भाई, कैसे बैटिंग को रेट करते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरह की इनिंग्स आपके बैट्समैन ने खेली है, ये 60 रन कर रहे हैं, 50 रन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की बैटिंग ये हो रही है, जिसमें चांसेस भी इनको मिल रहे हैं, ये पूरा सेशन कोई रन नहीं बना पाते, 6-6 ओवर के बाद ये एक सिंगल ले रहे हैं, ये किस किस्म की बैटिंग है? ये बताएं कि जहां पर टेस्ट मैच के अंदर भी आपको मोमेंटम बिल्ड करना होता है, टेस्ट मैच पहले ये समझा जाता था कि शायद पूरा दिन गुजार दें, ये टेस्ट मैच है, ऐसा नहीं है। मॉडर्न क्रिकेट के अंदर लोग स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, बड़े बड़े रन्स करते हैं, लेकिन आपकी जो अप्रोच है आज भी एंड ऑफ द डे 200 रन 220 रन इससे ज़्यादा है ही नहीं, तो क्या आपकी क्रिकेट खड़ी है? ये किस तरह के रन्स हैं, और अगर कोई कर भी देता है तो किस तरह की इनिंग्स है, आप कहाँ रेट करते हैं? क्योंकि इसको इतना ज़्यादा रिगार्ड नहीं किया जाता, या वो जो इंटरनेशनल जो क्रिटिक्स बैठे हुए हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो स्ट्रगल करते करते रन्स हो रहे हैं, कोई अच्छी इनिंग नहीं है, जो प्रॉमिसिंग बैट्समैन कोई आता है विकेट पे बड़े रन्स करता है, वो चीज़ अभी तक नज़र नहीं आई है। आप कैसे समझते हैं? गेंद की शाइन को उतार ना, विकेट पर रहे, आप गेंद की शाइन को खत्म करें, उसके बाद आप थोड़ा सेट होकर खेलें। अभी शोएब भाई बात कर रहे थे ना कि शाहीन आफरीदी की वनडे था, बिल्कुल सही उन्होंने कहा, लेकिन टेस्ट में भी आपके पास कोई बॉलर है नहीं ना, आपको शाहीन आफरीदी ही नजर आ रहे हैं टेस्ट में भी इस वक्त, इसलिए उनको लेके गए। और अब सबसे मेन बॉलर कह रहे थे कि ये हमारे सबसे मौलिक हथियार होंगे। और अगर हम बात करें, आपने हसनैन को बिल्कुल T20 वनडे के लिए बिठा दिया, उनको नहीं खिलाते हैं कि उनकी फिटनेस के इशू है क्या है, अभी हम हसनैन को हमें पता ही नहीं कि स्क्वाड में है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह है। लेकिन एक चीज़ और जो मैंने कहा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि शादाब को इन्होंने ठीक है एज एन ऑलराउंडर खिलाया, ये एक हफ्ते पहले इनको कैसे याद आया कि हमें टीम में जो है वो शादाब को हम खिलाएंगे एज एन ऑलराउंडर? इससे पहले तो टेस्ट में शादाब का कहीं जिक्र नहीं था ना। लेकिन यासिर शाह का कोई रिप्लेसमेंट टेस्ट में नहीं है, शादाब को टेस्ट खिलाते ही नहीं, शुरू से उन्होंने शॉर्टर फॉर्मेट में रखा, शादाब को खिलाया, शादाब ने 45 रन बनाए, 2 विकेट ली, बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्या हमारी ये प्लानिंग का हिस्सा था? नहीं था। हमारी प्लानिंग का हिस्सा तो 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन, विकेट कीपर और फिर बॉलर थे, शुरू से यही था। अब आपको अगर सरसद शफी के स्कोर करके नहीं दे रहे, फवाद आलम को आपने पहले मैच में मौका नहीं दिया, देखिए फवाद आलम को दोबारा खिलाने का मकसद ये है कि 2 स्पिनर्स की एकमत अमली आपको खुद सही नहीं लगी, इसीलिए तो आप शादाब के साथ ही जाते हैं ना। इसका मतलब तो यही था कि भाई वो नहीं हुआ, उनको बैट्समैन लगा के बैट्समैन को खिलाना चाहिए, उन्होंने बैट्समैन को खिलाया। अब वो इंग्लैंड में देखिए 4 फास्ट बॉलर खेले, हालांकि उनके पास मौजूद थे इनके ऑलराउंडर जो अभी नहीं खेल रहे हैं, ये भी बेन स्टोक्स की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं उसके बावजूद भी उन्होंने 4 फास्ट बॉलर के साथ, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, उनके तहत पता है कि पाकिस्तानी जो है वो इंग्लिश विकेटों पर फास्ट बॉलर के इतना अच्छा नहीं खेल पाते। अच्छा, आपने अब बात की बैटिंग की, तो देखिए बैटिंग में आपको मैं फिर यही कह रहा हूँ कि ओपनर्स का जो काम होता है वो ओपनर शायद पहली इनिंग्स में तो कर दिया उन्होंने हद तक काम, लेकिन आबिद अली नहीं खेल पाए। आबिद अली को मैंने देखा कि डोमिनिक बेस्ट ने उनको 2-3 गेंदों पर बीट किया, तो उन्होंने क्या किया कि प्रेशर उतारने के लिए उठा के खेल दिया, ये देखा ही नहीं कि डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है, सीधा उसके हाथों में सिंपल डॉली कैच किया, उसने आउट कर दिया। बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। देखिए हम अगर कोचेज की बात करते हैं ना, मुझे तो अज़रा तफन्नुन में आपसे कह रहा हूँ, मुझे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब कोई वेटरन टीम बनाना चाह रहा है, लेकिन सारे तो उन्होंने रख लिए हैं। अब इन्होंने परसों जो है मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रजाक को भी कोचिंग स्टाफ में शामिल कर लिया है, तो भाई बेहतर ये कि जब हमारे नहीं चल रहे तो इनको उतार दें। यूनुस खान भी अभी खेल सकते हैं, मिसबा भी खेल सकते हैं, वकार यूनुस भी कुछ बॉलिंग कर लेंगे, मुश्ताक को लगा, ये मजाक हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपको सोचने की, सबको आप ले लेंगे, रिजल्ट अगर नेगेटिव आएगा ना तो ये सारी चीज़ें
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है कि जिस तरह हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हम टीम के ऊपर वर्किंग इस तरह कर रहे हैं कि हम उनके साथ जो उनके जो कोचेज़ हैं, जो एलाइड स्टाफ है, उसको बढ़ाते जा रहे हैं। ये मसले का हल निकाला है। मसले का हल इससे निकल आएगा कि अगर आप दो तीन लोगों को, मेरे ख्याल में अब तो दो चार ही क्रिकेटर रह गए, कादिर साहब गुजर गए, एक दो और क्रिकेटर रह गए मेरे ख्याल में, सिकंदर बख्त वगैरह अगर आप उनको शामिल कर लें तो माशाल्लाह सारे ही ऑन बोर्ड हो जाएंगे। फिर तो कोई इंजमाम शोएब अख्तर एक दो रह गए, बात का जवाब दे देंगे जी। पहले तो ये कि शादाब हमारे गेम का हिस्सा कैसे बन गया, जब आप पिच देखती हैं तो फिर गेम का मतलब प्लान बनता है। पिच देखी उन्होंने टीम, इसमें शादाब का क्या फॉल्ट है आप ये बताएं ना कि शादाब का ये फॉल्ट है। शादाब ने 45 रन करे, टोटल 12 ओवर्स करे, दो उसने आउट करे, तो उसको हम क्यों ब्लेम दें? अच्छा अब जहाँ अब जैसे कोचिंग पाकिस्तान बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है, ये प्लेयर्स बनाने के बजाय ये कोचिज की तरफ जा रहे हैं, बना रहे हैं कोचिज। अच्छा अब वही वाली बात है कि मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। अब देखें अभी जैसे यूनुस खान आया, यूनुस खान को कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। अभी आपका मिसबा है, मिसबा को कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। अब ये यूसुफ है या ये रजाक है, इनको कोच नहीं है यार, आप कोच नहीं बनाए। अच्छा ये वो कोचिंग है तैयार कर रहे, ये कोच तैयार कर रहे हैं। अच्छा ये कोच तैयार और फिर इतने हैंडसम सैलरी दे के कोच तैयार कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं अगर आपने इनको कोचिंग बनाना है, इनको तैयार करना, पहले इनसे पैसे लें। बिल्कुल ठीक है, पहले इनसे पैसे लें, फिर नेचुरली आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, फिर वहां फीस देते हैं, फिर वहां से पास करते हैं, फिर जाके कहीं आपको जॉब मिलती है। तो हम बहुत गलत सिम्ट पे जा रहे हैं। ये अच्छा कोचिंग भी दो किस्म के जी, देखें पहले तो ये डिसाइड करें अगर ये कोचिंग हैं तो इनको चाहिए स्कूल में जाएं, यूनिवर्सिटीज में जाएं, क्लब में जाएं, वहाँ प्लेयर तैयार करें। अच्छा और ये जो अभी कोचिज इंटरव्यू हैं उसमें एक ऐसी मजाहिया बात हुई है, मेरे लिए मजाहिया बात है, और सब खुश हुए हैं। उनसे सवाल किया गया कि जी आपका एम क्या है और आपके सामने हार जीत के क्या मायने रखती है, सारे कोचिज ने क्या बोला, नहीं जी हमारा मकसद ये है कि हम प्लेयर्स डेवलप करें। ओ भाई मेरे, जब आप कोई सीरीज खेलने जाओगे या कोई इवेंट खेलने जाओगे, जो मैच खेलने जाओगे, तो वहाँ मेन क्या चीज़ है, मेन चीज़ है रिजल्ट, विन या लूज। तो ऐसे अगर जो कोचिज ये कहते हैं कि हमने क्या प्लेयर डेवलप करने हैं, तो भाई उनको स्कूल और कॉलेजेस में डालें। बिल्कुल ठीक। और अच्छा जिन्होंने रिजल्ट देने हैं उनको टीमों के साथ रखें, और रिजल्ट वही देगा जिसके पास गेम प्लान होगा। इन कोचिज से पूछ लो कि जी कौन सा रोल लेना है, ये बता देंगे। इन कोचिज से पिच रीडिंग बता देंगे। राइट। तो मेरे ये कोचिज पे जो हम कर रहे सोच रहे हैं ये सब गलत, हम गलत बात है। ठीक है, हमारी अप्रोच गलत है, इससे जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होंगे। अच्छा एक सवाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ऐड करना चाहूँगा, शोएब भाई ने बिल्कुल सही कहा कि कोचेज जो हैं वो अगर निकल के आते हैं ना, पूरा शॉर्टकट नहीं होता, तो वो चीज़ अच्छी है। हमने क्या एक्सक्यूज़ दिया पहले टेस्ट हारने पे कि जी हम तीन दिन चार दिन पूरे हावी रहे, लेकिन फिर हम आखिरी सेशन में हार गए। हार तो हार होती है ना भाई, एक्सक्यूज़ नहीं बोल देना भाई, साढ़े तीन पॉइंट चार अपर हैंड ही था। नहीं अपर हैंड, देखिए अपर हैंड आपने शोएब भाई उसका खो दिया था जब आप सेकंड इनिंग में। मैं आपसे डायरेक्ट सवाल करूंगा, मैं ये कह रहा हूँ जब 117 पे 5 आउट हो गए थे आपकी क्या फीलिंग थी? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि क्रिकेट जो है ना अनसर्टेन खेल है। आपने बिल्कुल सही कहा शोएब, हम सब यही समझ रहे थे कि पाकिस्तान टीम ये मैच जीत गई है, लेकिन इतनी बड़ी पार्टनरशिप का फिर क्या जवाब रहता है आप बताइए? मैंने उसका जवाब दिया ना, वो आपका कप्तान का फेलियर था। वो तो नहीं, कप्तान तो वही था, 117 पे 5 आउट थे, वही बोलर। देखिए 117 पे जो 5 आउट हुए ना उसमें कप्तान की कोई क्लास नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, कप्तानी से किस जगह आउट हुआ? एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया का, आपको याद है? मैंने तो स्ट्रेट बोला पाकिस्तान की बैटिंग फेलियर, कप्तान फेलियर, बिल्कुल सही है। अच्छा ऑस्ट्रेलिया कप याद है आपको, जावेद मिर्ज़ा का आखिरी गेंद का छक्का, लास्ट बॉल तक इंडिया की टीम हर लिहाज से जीत रही थी, किसी के वहमो गुमान में नहीं था मियादाद छक्का लगा देगा, तो ये छक्का लगा दिया, जीत गए। तो उसके बाद से आज तक जावेद मियादाद की क्या बात है उसमें? हाँ उसमें कोच का क्या, उसमें कोच का क्या है? हम लोग सारी चीज लेके जाते हैं कोचेज पे। देखिए आप एक्सक्यूज ये ना देना कि जी हम चार दिन अभी था, किसने एक्सक्यूज दिया? मैंने रियलिटी पे बात करी है, एक्सक्यूज नहीं दिया। नहीं कप्तान की बात हो रही है, खुद कप्तान ने ये बयान दिया शोएब भाई, आपको नहीं, खुद कप्तान का ये कहना
कहना है कि जी हम आगे थे और आखिर में हम हार गए। बात यह है कि हार गए ना, रिजल्ट नहीं निकला ना। आप ऑस्ट्रेलिया में सारे मैचेस हार गए, दोनों टेस्ट हार गए। एक बात बताइए, ये सीरीज आफ्टर सीरीज अगर आप इसी तरह हारते रहेंगे और ये आपको जिंक्स तोड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं था कि इंग्लैंड की टीम जो ऑन पेपर इंतहाई वीक नजर आ रही थी, आपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सही है और ये आपके पास शायद वाहिद मौका था जिसमें आप वाइट वॉश की तरफ भी जा सकते थे। लेट्स से अगर बारिश नहीं होती, टीम क्योंकि इतनी स्ट्रांग नहीं थी जो कि माजी में हुआ करती थी, जिसमें एलिस्टर कुक हुआ करते थे या एंड्रयू स्ट्रॉस हुआ करते थे, अभी रिसेंट टाइम्स में बड़ी ज़बरदस्त उनकी टीम हुआ करती थी, बड़े पावर पैक उनके जो है वो बॉलर्स भी होते थे, बैट्समैन भी। ये बहुत अच्छा मौका था कि आपके पास निस्बतन जो है वो कमज़ोर टीम थी, आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस की है। इससे अब ये साबित हो रहा है कि आपकी सारी कोशिशें ये होंगी कि आप जो होम सीरीज़ हों उसके अंदर एफर्ट करके किसी तरह बांग्लादेश श्रीलंका को हरा लें, उससे अपना जो है वो ग्राफ आपका बेहतर हो जाएगा। और यही होना है अगर आगे आपने कोई कमज़ोर टीम के खिलाफ अगर कोई होम सीरीज़ अगर जीत ली तो ये सारी चीज़ें फिर वैनिश हो जाएंगी। ये पाकिस्तानी टीम अवे ग्राउंड पर 10वां टेस्ट मैच खेल रही है जी। जो 9 मैच पिछले खेले हैं ना, जिसमें आपने साउथ अफ्रीका में 3-0 हारे जी, आप यूएई में अपनी होम सीरीज न्यूजीलैंड से 2-1 हार गए, ऑस्ट्रेलिया में 2-0 हुआ, फिर यहाँ 1-0, आप 9 में से 8 टेस्ट मैचेस अवे ग्राउंड पर हार चुके हैं, जिसमें आपकी होम सीरीज भी एक मुत्तहिदा अरब अमीरात की शामिल है। तो 9 में से 8 टेस्ट मैचेस का हार जाना, और बिल्कुल एक मैच में तो आप 4 रन से हारे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो आपको याद भी होगा, वो भी आप नहीं कर सके, वो जीत लेते। देखिए बात ये है कि एक रन से हारे, एक विकेट से हारे, शिकस्त, और एक विकेट से हारने के बाद इतनी बुराइयां निकल जाती हैं, और वही आप एक रन से या एक विकेट से जीत जाए ना तो सारी बुराइयां आपकी छुप जाती हैं। ये मैच पाकिस्तान जीत लेता है तो हम सब बहुत खुश होते हैं कि भाई अपर हैंड था, ठीक था, लेकिन क्या आप इसको बेस बना रहे हो, बड़े खुश हो रहे हो? बिल्कुल भाई, बेस इसको नहीं बनाओ कि आप खुश हो रहे हैं कि जी हम वो थे, बेस उसको बनाओ कि उनकी पार्टनरशिप कैसे बन गई, इतने प्रेशर में उन्होंने ऐसी पार्टनरशिप, आप अपनी वहां पे खामी ढूंढो ना, उस खामी को खत्म करने की जरूरत है ना। शान मसूद 2 इनिंग से लगातार फेल हो रहे हैं, 150 बनाकर आप, इससे नहीं होगा। किसी बड़े क्रिकेटर ने कहा कि शान मसूद जो है मुझे बड़ा अच्छा रिप्लेसमेंट लगते हैं अजहर अली के एज ए कैप्टन, शान मसूद अगर अगले 3 इनिंग्स में नहीं स्कोर कर पाते तो क्या उनकी टीम में परमानेंट जगह बनेगी भी या नहीं, तो कप्तान तो भी दूर, बहुत जल्दी हम बहुत सारे फैसले कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, आप ये बताइए ना, कप्तानी में आपको कोई रिप्लेसमेंट नजर आ रही ना, आपके पास कोई और ऑप्शन है, मिडिल ऑर्डर आपका काम नहीं कर रहा, ओपनर आपके स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि इन सीरीज आफ्टर सीरीज आप एक्सपेरिमेंट करें, नए ओपनर्स खिलाएं, नए आपके पास कॉम्बिनेशन होगा। जैसे मुनीर भाई ने कहा, कोई कॉम्बिनेशन अभी तक समझ में ही नहीं आया जब आप इतने मैचेस हार गए। टिल डेट आज यही सवाल है कि क्या आपकी कॉम्बिनेशन है, कोई टीम ऐसी है जो आप समझ सकते हैं कि 3-4 सीरीज मुस्तकिल एक खेल सकती है? देखिए मेरी एक डिफरेंट सोच है, मैं इस सीरीज पे बात करूँ, इस सीरीज में अभी तक जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है। अच्छा, सही इन अ सेंस किसके लिए? इंग्लैंड के लिए सही हो रहा है, पाकिस्तान के लिए? इंग्लैंड ने करा क्या है अभी, आप क्या समझ रहे हैं? मतलब पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गई, पाकिस्तान के लिए सही हो रही है? हाँ, राइट सवाल कर रहा ना, मैंने उसका रीजन क्या दिया, मैंने क्या, हमारी बैट कैप्टनसी, हमने अपने कप्तान को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, अब रहा सवाल ये है कि जी ज़रूरी नहीं है कि आप कप्तान ही लीड करता है, एक टीम का मेन जो बेस्ट परफॉर्मेंस होता है ना वो भी लीडर होता है। जब आप बेस्ट परफॉर्मेंस, बाबर आजम है, नहीं देखिए, आउट हो जाता है। अब आपने मेरी बात का जवाब दे दिया, अभी बाबर आजम भी वो उस जगह नहीं है। बाबर आजम 60 रन पे बैटिंग कर रहा था तो दूसरे दिन 0 पे आके आउट हुआ जी, दूसरे, और फिर सेकेंड इनिंग में जहाँ उसको रन्स करने थे तो वहाँ भी वो कितने रन्स पे आउट हुआ। हाँ, तो बाबर आजम अभी उस नहीं है, ये तो हम लोग यहाँ बैठ के या वो कर रियलिटी पे बात करो, अभी तो आपके तो मुकाबला उसका करना शुरू कर देते हैं, जो मुकाबला कर रहे हैं उनका तो मैं अपनी बात कर सकता हूँ अभी सारे हमारा टोटल बैटिंग लाइन प्रेशर में, इवन के इंग्लैंड भी बैटिंग लाइन प्रेशर में, तो हम जो मैं इस मैच पे इस सीरीज में पाकिस्तान, नो डाउट पाकिस्तान पे को बहुत काम करना पड़ेगा बैटिंग में, और पाकिस्तान का जो कोचिंग स्टाफ है उसको ड्रेसिंग रूम का माहौल को सेट करना है। लास्ट वर्ड ये जरा बता दीजिए कि ये है कि कप्तान परफॉर्म ना करे, कोई और परफॉर्म करके मैच जितवा दे तो उसकी भी जिम्मेदारी है। वैसे तो 11 लड़कों को खेलना, ये बात तो सही है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कप्तान ना खेले? मैं अभी भी आपसे ये कहूँ कि अभी भी पाकिस्तान की बैटिंग जो है स्ट्रगल करती नजर आ रही है इंग्लिश कंडीशन पर अभी तक। देखिए आपके जब तक कंसिस्टेंसी नजर नहीं आएगी ना, अगर किसी
ने 50 कर दिया और फिर दूसरी इनिंग्स में वो सिफर पर आउट हो गया या सिंगल फिगर में आउट हो गया, या अब मुझे बताएं ना अभी तक जो पाकिस्तान ने वहाँ खेली है 3 इनिंग्स, किस खिलाड़ी की कारकर्दगी ऐसी है जिसको आप कंसिस्टेंट कहें? किसी ने 150 की है एक दफ़ा, एक ने 50 कर दिए, एक ने, अब रिजवान अच्छा खेले हैं, उनको कोई उस पर कोई वो नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको अभी भी देखें ना, आपका क्या हुआ था, आपके 5 टीम 120 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, बिल्कुल यहाँ पर भी वो तो रिजवान और बाद में थोड़ा सा खेल गया, पहले दिन खत्म हुआ था 124 रन 126 रन पर 5 आउट थे, तो वो कोई परफॉर्मेंस तो नहीं होती ना, आधे दिन में आप आधे टीम आउट हो जाए। थैंक यू सो वेरी मच मुनीर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, शोएब अभी भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। वक्त हमारे पास महदूद था, इसके अंदर जिस तरह की परफॉर्मेंसेज रही हैं, बहुत सारे फ्लॉज हमें नजर आए, कैप्टनशी के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और ये सवालात उठते रहेंगे जब आपके पास जो कोचिंग स्टाफ है वो बढ़ता जा रहा है, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे जाता जा रहा है, और जैसे भी गुफ्तगू में एक चीज़ सामने आई कि अभी तक एक कोई टीम कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इतने सारे लोग होने के बावजूद, इतने सारे अजहान होने के बावजूद, अगर आप अभी तक कोई टीम कॉम्बिनेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सके हैं, तो इसका मतलब ये है कि आगे भी आपको अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है। ऐसी बात के साथ प्रोग्राम का खत्म, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जब हाजिर होंगे तो मज़ीद कुछ इस सीरीज़ के हवाले से करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।